और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब क्या कर रहे हो आए, लेकिन ना तर्क था ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाए, और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी, विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं, तथ्य नहीं। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। और जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने जवाब दिया है उसके बाद तो विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोल भी नहीं पाया। इसका मतलब सब उनकी बात से सहमत थे, उनके तथ्य और तर्क ठीक था, क्योंकि कांग्रेस के समय ही ये कानून भी बनाया गया था और जिस धारा के अंतर्गत ये ताकत, ये पावर केंद्र के पास नियम कानून बनाने की है वो भी उन्होंने देश के सामने रखा। तो इसके बाद तो बचता क्या है? अब जो बचा है कम से कम उतने दिन आकर सदन ढंग से चलने दें, प्रश्नोत्तर में भाग लें और अलग जो अन्य बिल आएंगे उसमें भी भाग लें। मेरा इतना ही निवेदन विपक्ष के लोगों से है कि अपना अहंकार छोड़ें, देश को गुमराह करना बंद करें, और नहीं तो चुनाव का समय आएगा जैसा यहां अंदर धराशायी हुए वैसे ही चुनाव लोगों को होना चाहिए जिन्होंने वोट देकर सांसद बनाकर भेजा। यहां आते पंजाब के ड्रग्स की समस्या उठाते, पंजाब के भ्रष्टाचार की समस्या उठाते, पंजाब खेलों में कैसे पिछड़ा है उसकी समस्या उठाते, पंजाब के लिए क्या और किया जाता है उस बात को रखते, तब तो शायद समझ में आता। लेकिन आकर केवल बिल ही फाड़ने थे तो बिल तो सड़कों पर भी फाड़ सकते, संसद में आने की क्या जरूरत थी।